हे गाइस, दिस इज़ अमोनू। यू आर वाचिंग नौकरी पोर्टल। सो मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ FCI का जो रिक्रूटमेंट आया है 2022। सो मैं आप लोग को बता दूँ, ये जोन वाइज पोस्ट डिवाइड किया गया है। नॉर्थ जोन में 38,100 है ये PWD के लिए, और इसका जो सैलरी सैलरी सबका सेम है, 40,000 से 1,40,000 सबका। ये साउथ जोन हमको लगता है सबसे ज़्यादा नॉर्थ जोन में है। टोटल 68 सीट हैं इसमें, आप लोग देख सकते हैं। PWD के लिए, PWBD के लिए 11 है। साउथ ये वेस्ट जोन, ईस्ट जोन, नॉर्थ जोन, और ये कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी का जो रिजर्वेशन 1% सबका दिया गया है। उसके बाद ये कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी के लिए डिवाइड किया गया है। अगर बात करें क्वालिफिकेशन का, तो क्वालिफिकेशन जो कि जब मैनेजर जनरल का ग्रेजुएट होना चाहिए 60%, मैनेजर डिप्टी डिपॉट ग्रेजुएशन इसमें 60% होना चाहिए, CWS CS होना चाहिए, मैनेजर अकाउंट का, मैनेजर मूवमेंट इसमें ग्रेजुएशन 60%, मैनेजर अकाउंट का। उसके बाद मैनेजर टेक्निकल का आप लोग देख सकते हैं, BSc एग्रीकल्चर, मैनेजर सिविल, मैनेजर इलेक्ट्रिकल, मैनेजर इनसे इसमें इंजीनियर सेक्टर वाले के लिए वैकेंसी है। और अगर बात करें इसकी ऑनलाइन का, तो ऑनलाइन बता दें, ऑनलाइन 27/8/2022 से चालू होगा, और 26/9/2022 इसका लास्ट डेट है। अगर फॉर्म फी का बात करें, तो फॉर्म फी का 800 लगेगा, जनरल जनरल और EWS और OBC के लिए, बाकी के लिए कोई फॉर्म फी नहीं। अगर बात करें रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशन का, तो आप लोग देख सकते हैं ये 5 से 3 ईयर्स है, SC ST OBC का। हर एक चीज़ ये दिया, अपर एज लिमिट ऑफ केस ऑफ डिपार्टमेंट FCI कैंडिडेट 85 ईयर, जो भी FCI में काम करते जो भी, और उसके लिए 50 वर्ष दिया गया है एज। और अगर बात करें सिलेक्शन प्रोसेस का, तो सिलेक्शन प्रोसेस का आप लोग देख सकते हैं, फेज 1 में जो कि होगा इंग्लिश रीजनिंग, इकोनॉमिकल एप्टीट्यूड स्टडीज़, जनरल जो कि इकोनॉमिक साइंस, ये टोटल 60 मिनट के, 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स फेज 1। इसका अगर नेगेटिव का बात करें, तो 1/4 एक गलत होने के बाद। और ये आप लोग देख सकते हैं, ये फाइनल मेरिट लिस्ट में फेज 1 को काउंट नहीं किया जाएगा। उसके बाद फेज 2 जो होगा, फेज 2 पेपर 1 ओनली, मीन्स मैनेजर जनरल, मैनेजर मैनेजर डिपॉट और इसका मैनेजर मूवमेंट। उसके बाद कुछ पोस्ट के लिए पेपर 2 है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कैंडिडेट अप्लाई ये है CDFG, जो कि पेपर 2 में अप्लाई कर सकते हैं, ये पास होने के बाद पेपर 1। उसके बाद आप देख सकते हैं मैनेजर हिंदी के लिए पेपर 3 और पेपर 4 रखा गया है। पेपर 2 का जो कि ये है सिलेबस, आप लोग देख सकते हैं 90 मिनट, इसमें नेगेटिव, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग फेज 2 ऑफ द एग्जाम, मीन्स नेगेटिव मार्क नहीं होगा फेज 2 में। और आप लोग देख सकते हैं पेपर 4 ओनली पोस्ट ऑफ मैनेजर हिंदी कोड H, पेपर 3 ओनली ऑफ पोस्ट मैनेजर हिंदी, इसी के लिए टोटल 120 क्वेश्चन, कैरिंग वर्क मार्क्स मैक्सिमम 120 मार्क्स, जो कि हम पहले बता चुके हैं। पेपर 1 ड्यूरेशन 60 मिनट का, तो ये पहले पेपर 2 60 मिनट का। इसमें सिलेबस दिया गया है मैनेजर अकाउंट कोड D का, इसका PDF हम लिंक में डाल दें, क्योंकि आप लोग इसको और बढ़िया से पढ़ सकते हैं। मैनेजर टेक्निकल एग्रीकल्चर का,
उसके बाद मैनेजर सिविल इंजीनियर का पेपर 3 ड्यूरेशन 90 मिनट का, जनरल हिंदी, जनरल करंट अफेयर्स, बायलिंगुअल सब होगा इसमें, जो कि 90 मिनट्स होंगे, 120 क्वेश्चन, 120 मार्क्स। उसके बाद पेपर 4 जो होगा वो मैनेजर हिंदी के लिए होगा, जो पैसेज होगा, प्रीसियस राइटिंग होगा, पेपर 4 ओनली, जो डिस्क्रिप्टिव होगा, सब्जेक्टिव टेस्ट आप लोग देख सकते हैं। एक और पहले हम नोट कर बोल दिए थे कि अब पेपर 1 जो है उससे ये आपको मेरिट लिस्ट में काउंट नहीं किया जाएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद ट्रेनिंग मैनेजमेंट पार्ट ऑफ द प्रोसेस करें। ये आज का ये रहा नोटिफिकेशन FCI के बारे में। उसके बाद फिर अगर कोई नया नोटिफिकेशन आता है तो मैं चैनल के माध्यम से, नौकरी पोर्टल के माध्यम से आप लोग को बताऊँ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। अगर कोई मेरे चैनल पर नए व्यूअर होंगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।